Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनाज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के पापड़। यहाँ पर मैंने चावलों को 2 से 3 घंटे धोकर भिगो दिया था। ये देखिए, मैंने इन्हें 3 बार पानी में निकाल लिया था। अब इन्हें हम मिक्सर में बारीक ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें बारीक पीस लेना है। अब मैं दूसरे चावल को भी इसी तरह पीस लूंगी। यहाँ पर ये देखिए, हमने इसे अच्छे से पीस लिया है। देखिए, ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। ये चमचे से इस तरह से टच करके देख लें इसको। और अब यहाँ पर मैं 1 टीस्पून अजवाइन इस तरह से टच करके डाल दूंगी। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी ऐड करूंगी मैं काली मिर्च। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम मैदा के पापड़ बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मैदा ले लिया। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, यहाँ पर जीरा थोड़ा सा 1 चम्मच करीब हो गए, थोड़ी सी अजवाइन, इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी और इसे अच्छे से मैश करेंगे, इससे इसके अंदर लम्स ना पड़े। इसे अच्छे से हम घुमा कर मैश कर लेंगे। 1 गिलास पानी इसमें और डलेगा। जितना हमने चावल का बैटर रखा था उतना ही पतला हमें इसे रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने मैदा वाला बैटर भी तैयार कर लिया है। ये देखिए, इसमें 3.5 गिलास पानी लग गया है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इडली वाला साँचा ले लिया है और यहाँ पर मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डालकर इसे उबाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने ये इस तरह का रोटी वाला साँचा ले लिया है, उस पर हम ऑयल लगाएंगे इस तरह से। और ये घोल तरह से डाल देंगे इसको। एक मिनट में ही बन जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमारे पापड़ बनकर तैयार है। इन्हें निकाल कर ठंडा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पापड़ सूखकर तैयार हैं। यहाँ मैंने इन्हें 2 दिन की धूप लगा ली थी। अच्छे बने हैं। चलिए मैं इन्हें फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, तेल हमारा गर्म है। यहाँ पर मैं पापड़ डालकर तलूंगी।